मंदिर मस्जिद आपको वहाँ पे लोग बैठ के दरवाजे पे मांगते हैं, कमाते नहीं वहाँ। तो हम लोग इस वक्त चुनाव यात्रा पर निकले हैं और शाही इमामबाड़ा जो है लखनऊ में, एक तरीके से लखनऊ की पहचान अवध के नवाब और उनकी ये बनाई हुई विरासत है और यहाँ की पहचान है पुराने ज़माने में जो जिसे घोड़ा गाड़ी का तांगा ये सब कहते थे, उसमें हम सवार हैं और यहाँ पर घूमेंगे भी, यहाँ के नज़ारे भी देखेंगे और साथ साथ हम कुछ चुनावी बात भी करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, खासकर जो ये घोड़ा गाड़ी चलाने वाले लोग हैं इनकी क्या समस्याएं हैं और क्या कुछ इन्होंने यहाँ पर बदलते हुए देखा है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सरवर है। सरवर भाई, कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी सर, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, सरकार ने रोजगार के लिए नाम पे कोई काम नहीं किया, नौकरी नहीं दिया। नौकरी कहाँ मिली भाई साहब, आप बताइए कौन से विभाग में कौन सी नौकरियाँ निकली, कोई अधिकारी नहीं बता सकता है। योगी जी तो बोले कि हमने बहुत सारे लोगों को नौकरियां दे दी हैं। भाई वो सिर्फ कागज पे है, आदमी बेरोजगार तो बहुत है। और ये घोड़ा गाड़ी जो है आपकी, ये इसका काम कैसे चल रहा है? आप खुद देखिए, 50 रुपए में एक घंटे का समय बिता रहे हैं, इससे परिवार चल जाएगा आप बताइए, जिसमें घोड़े का दाना भी है और खुद का भी परिवार है, 50 रुपए में एक घंटा का लग रहा है तो सरल चल जाएगा। मैंने आपसे 100 रुपए बताया, आपने कहा 50 देंगे, हो जाएगा इसमें? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो सरकार कोई मदद करती है आप? सरकार आज तक यहाँ पे कोई मदद नहीं करती, और यहाँ पे जो लगे हुए ड्यूटी में जो होमगार्ड है वो हर टाइम जो है बढ़ाने के, आपने खुद देखा है, तो बोल रहे थे पुलिस वाले की हटाओ हटाओ, यहाँ से हटाते, वो रुकने नहीं देते हैं, रुकने नहीं देते हैं। अच्छा, तो आप लोगों का यहाँ फिर कितनी संख्या है, कितने लोग इस तरह का काम धंधा करते हैं यहाँ पे? कम से कम 40 से 50 लोग करते हैं, जो ये रिक्शे से भी घुमाते हैं और घोड़ा गाड़ी से भी घुमाते हैं। तो अभी आप हमको कहाँ लेके जा रहे हैं? हम आपको चिकन कारीगरी दिखा रहे हैं, चिकन जो कपड़े पे जो कारीगरी होती है, लखनऊ का फेमस है, कहते हैं आप मुस्कुराइए, लखनऊ में यहाँ चिकन खाया भी जाता है और चिकन पहना भी जाता है, चिकन पहना भी जाता है। तो यहाँ लोगों का पेट भर रहा है कमाई करके? बहुत मुश्किल से भाई, क्योंकि आप इस जमाने में महंगाई देख लिए, आप 5 किलो राशन दे रहे हैं फ्री, आप 2 किलो मिट्टी का तेल यानी घासलेट कम कर दिया, 1 किलो चीनी कम कर दी, 15 रुपए का आप एक महीने में राशन दे रहे हैं। कोई सरकार आप ये नहीं बता सकते हैं जो 3 रुपए से ऊपर राशन कभी देती हो, आज 15 रुपए का आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, जिसमें 100 रुपए का मटेरियल आपने कम कर दिया, 2 लीटर मिट्टी का तेल यानी घासलेट कम, पहले वो मिलता था, वो मिलता था, और 1 किलो चीनी वो कम, 1 किलो चीनी कम होगी, 2 लीटर घासलेट यानी मिट्टी का तेल कम हो गया, तो अभी कितना सामान क्या क्या किलो मिलता है? बस 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, वो तो हमेशा मिलता था, कोई सरकार ऐसी आप नहीं बता सकते हैं जो 2 से 2.5 या 3, हद है 3 रुपए से ऊपर कभी राशन नहीं मिला सरकारी। बीपीएल में तो पहले भी गुलाबी कार्ड, पीले कार्ड वालों को मिलता था, बीपीएल में पीले कार्ड वालों को 1.5 रुपए का मिलता था, और जिनका पीला कार्ड था, व्हाइट कार्ड वालों को 1.5 रुपए का और पीले कार्ड वालों को 3 रुपए में मिलता था। अच्छा, लेकिन उधर मोदी जी और योगी जी बड़े पोस्टर लगाए हैं कि कोरोना में हम सबको मुफ्त राशन बांट रहे हैं और बड़ा दावा कर रहे हैं, 100 रुपए का मटेरियल कम करके आप अगर 15 रुपए का दे रहे हैं तो कोई अच्छा ही नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए, सरवर ने बहुत ही मतलब गुप्त बात बता दी है कि प्रचार तो ये हो रहा है कि मतलब मुफ्त राशन बांटा जा रहा है, 3 महीने और बढ़ा दिया, अप्रैल तक मिलेगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो पीडीएस सिस्टम में इनको पहले से मिलता था उसमें से भी कम कर दिया है। मैं यहाँ काम करने आया अपने गांव से, और यहाँ मैंने 3 महीने काम किया और वहाँ जाकर राशन नहीं ले पाया, तो 3 महीने बाद मेरा राशन कार्ड कैंसिल हो गया, और आज पूरा साल हो गया, 3 बार अप्लाई किया, आज तक न बन के आया, राशन कार्ड नहीं बना। अगर 3 महीने अगर आप अपने काम के लिए बाहर जाएं और आपका अंगूठा नहीं लगता है तो आपका राशन कार्ड भी कैंसिल हो रहा है, 50% आदमियों को तो राशन ही नहीं मिल रहा है। ये घोड़ा है कि घोड़ी है? घोड़ी है। घोड़ी है। क्या नाम है इसका? कबूतरी। इसका नाम कबूतरी है, मतलब घोड़ी का नाम कबूतरी रख दिया। ये तो सही है। क्या खाती है ये कबूतरी? चना। कौन सा चना? मोटा वाला। कितने रुपए किलो आता है वो? 60-70 में चल रहा है। तो एक दिन में कितना खा जाती है? 4-5 किलो।
चार पाँच किलो यानी 250-300 का चना खा जाएगी। और प्लस चोकर है, भूसा है, चूनी है, जई है, ये सब का खाती है। दिन एक दिन में 300 रुपए का खर्चा आता है। कैसे गुजारा होता है भाई? 250 इसके बच रहे हैं और 300 रुपए दिन भर में पूरी मेहनत। और क्या हो रहा है? और ये टांगा जो ये भी आपका है कि रेंट पे लिया है? ये नहीं, इसे में नहीं है, अपना है आपका। अच्छा, कोरोना जब हुआ था तो लखनऊ में तो बड़ी तस्वीरें आई कि बहुत बुरे हालात थे, तो लोग भी नहीं आ रहे थे, ये सब इमामबाड़ा और बाकी तो सब बंद होगा ना, ये परिवार उस समय कैसा था? ये परिवार कैसे चले हैं ये तो पब्लिक जानती है। जिस शहर में लाशें नदी में बह जाए उस शहर का कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। जहाँ पे अंतिम संस्कार 2200 रुपए का गुलाला घाट में 3000 रुपए में हो जाता था, वहाँ 10-10 से 15-15 हजार रुपए में हुआ। पुलिस की उसमें मौजूदगी में 2000 रुपए कुंटल लकड़ी बिकी है। वो लोगों को जो तकलीफें हुई थी सरवर भाई, वो लोगों को याद रहेंगे चुनाव के वक्त? याद अगर कोई अच्छा इंसान है जो विकास और मुद्दों और अपने जीवन और अपने परिवार के लिए सोचता है तो जरूर याद रहेंगी। अगर धर्म के नाम पे सोचता है तो नहीं याद रहेंगी। तो आजकल लग तो ऐसा रहा है कि धर्म के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं लोग, सोच रहे हैं ना। मंदिर मस्जिद आपको वहाँ पे लोग बैठ के दरवाजे पे मांगते हैं, कमाते नहीं वहाँ। कमाना और रोजगार सब हिंदू मुस्लिम आपस में मिल के काम करते हैं, तब जाके आप किसी मुस्लिम फैक्ट्री में जाएंगे हिंदू काम करता मिलेगा, हिंदू की फैक्ट्री में जाएंगे मुस्लिम काम करता मिलेगा। हमारा ट्रेन पे आप सफर करते हैं, खाने वाला आता है, ये नहीं पूछते हिंदू हो या मुस्लिम हो, उससे आप खाना बुक किया वो खाना लेके आता है। तो भारत ऐसा ही है? भारत ऐसा था भाई, था, अब नहीं लगता है कि ऐसा। क्यों लग रहा है आपको? आप ये बताइए, ऐसा ये राजनीति है, कुछ नेता इधर के कुछ उधर के ये सब करते रहते हैं। आप ये बताइए, कानपुर से लखनऊ कम से कम 5000 आदमी काम करने आता था डेली, 20 रुपए का रेल से ट्रेन से टिकट लेता था, चालू में बैठ के आ जाता था, शाम में 20 रुपए का लेके वापस 500 का काम किया, उसने 100 रुपए खाना पीना किराया खर्च करके कर दिया। आज स्पेशल ट्रेनें चला दी, 400 का टिकट लेके 400 रुपए का काम करने आएगा कोई? कैसे करेगा, कैसे करेगा? जो इंसान आज खुद से प्राइवेट से ना, वही 10 साल बाद रोएगा। क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम करते हैं, लखनऊ एयरपोर्ट बिक गया, लखनऊ रेलवे स्टेशन बिक रहा है, 10 साल के बाद जो जो सपोर्ट में है उसके बच्चों को नौकरी कहाँ से मिलेगी? जब प्राइवेट होगी सब कुछ, प्राइवेट सब कुछ प्राइवेट होगे तो 10 साल बाद हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। कहाँ से तुम हिंदू को नौकरी दोगे, कहाँ से मुस्लिम को दोगे? जब सरकारी है नहीं तो दोगे कहाँ से? ये देखिए बड़ी बात सरवर कह रहे हैं कि जो मान लिया आप हिंदू हैं लेकिन हिंदुओं को नौकरी मिली क्या? मतलब अगर आप धर्म के नाम पे भी बात करेंगे तो क्या आपके लोगों को मिली है नौकरी? नौकरी किसी को नहीं मिला। 202 रुपए नरेगा की मजदूरी है, 100 दिन की गारंटी है, 265 दिन कहाँ जाएगा आदमी? शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर या प्रदेश के अंदर की बात करें तो 80% हिंदू है, 20% मुसलमान है। 1000 रुपए का सिलेंडर है तो खाली मुसलमान खरीद रहा? तो हिंदुओं को कौन सा 500 में मिल रहा है? 500 में मिल रहा है। बात धर्म के नाम पे क्यों ना करो? ये एक काम आप हिंदुओं के लिए नहीं बता सकते हैं जो हिंदुओं के लिए काम है। मंदिर मस्जिद जब है जब अपने माँ बाप की इज्जत कर लो। देखिए बड़ी बात की है सरवर भाई, अभी कौन से इलाके में आ गए हम लोग? चौक में है, चिकन कारीगरी का मार्केट, यहाँ पे चिकन कारीगरी देखेंगे। तो ये आप लोगों का जो ये काम धंधा होता है, 30 रुपए यहाँ से प्रचार के मिलते हैं, आप इनको टूरिस्ट को लेके आते हैं तो 30 रुपए प्रचार के देते हैं और लेने पर हर 1000 पे 20 रुपए देते हैं। कोई सामान खरीदेंगे तो उस पर 20 रुपए मिलता है, तो इसी तरह से किसी तरह गुजारा हो रहा है, गुजारा होता है। देखिए आप तो हैं तो मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। तो ये बताओ सरवर भाई, आपके यहाँ तो बहुत सारे टूरिस्ट भी आते होंगे, यूपी के अलग अलग इलाकों से भी लोग आते होंगे, तो चुनाव नाव पे चर्चा होती है? चुनाव की चर्चा है सर ज्यादातर अखिलेश के साथ, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ है उनका भी है, मगर विकास के नाम पे है तो नहीं है। हाँ, अगर धर्म के नाम पे है तो है उनका। अच्छा, धर्म के नाम पे है तो उनका, और विकास के नाम पे तो उनका कुछ नहीं मिलेगा। ये चिकन वाला देख के आइए बाबू, ये चिकन साड़ी सूट पीस कुर्ता कुर्ती की मार्केट है, यहाँ बनता बिकता है, लेना चाहे तो ले सकते। अभी हम यहाँ चौक पे चिकन कारीगरी के कुछ हमने काम देखा और चाय पी, और उसके बाद हम वापस से
सर्वर की घोड़ा गाड़ी में बैठ गए हैं और वापस हम इमामबाड़ा जा रहे हैं। ये क्या सर्वर? ये लोहिया पार्क है, ये पुरानी लोहिया पार्क है। पुरानी लोहिया पार्क है, तो ये समाजवादी पार्टी में बनी थी जी? ये मुलायम सिंह ने जो सबसे पहली बनी वो ये बनवाई थी। अच्छा, तो उसके बाद फिर उन्होंने जनेश्वर मिश्र पार्क बनवाया था जी। तो अखिलेश यादव को इधर कैसा है उनका रुझान? जी, उन्होंने काम किया। देखिए, मेन होता है रोजगार। आप किसान निधि दे रहे हैं, समाजवादी पेंशन योजना बंद कर दी। तो आप एक योजना बंद करते हैं तो एक दे रहे हैं, वो अपने नाम से दे रहे हैं। आदमी पब्लिक को तो वो एक योजना मिल रही थी पहले से कि नहीं मिल रही थी, तो मतलब उसी को नए नाम से फिर से शुरू कर देते हैं दूसरी बार। योजना ये होती है कि अगर हमने कोई योजना चलाई है वो चलती रहे, अगर आप दूसरी योजना दे वो आपकी सौगात है। वो नई सौगात आपको देंगे, नहीं देने वाले की बात है। और बहन जी के कार्यकाल की अगर बात करें सर्वर, उनमें कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी जी। मेन होता है कानून व्यवस्था और ये सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। आदमी क्या आज कोई गाड़ी चला रहा है, आप फोटो खींच लिया, चालान काट दिया, उसको ये नहीं पता कि मेरी गाड़ी का कितने का चालान कटा है और किस वजह से कटा, किस वजह से कटा है। अच्छा, लखनऊ में इमामबाड़ा है, ऐसे जो मुस्लिम नाम वाले शहर हैं जैसे इलाहाबाद था, उसका प्रयागराज कर दिया, विकास नहीं हुआ, वो नाम बदलने की जो बात होती है। मेरा नाम सरवन है, आप सरवन पुकारे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नाम से कोई फर्क नहीं है। मेन इंसान इंसान होना चाहिए। नाम से कोई विकास होता इसमें हिंदू मुसलमान दोनों को नुकसान होता है। आधार कार्ड पर नाम चेंज कराने जाता है ना तो खाली मुसलमान नहीं जाता, उसमें हिंदुओं को भी पैसा खर्च होता है। बिल्कुल बिल्कुल, पैन कार्ड पर नाम चेंज कराने जाएगा उसमें खाली मुसलमान परेशान नहीं होगा, उसमें सब परेशान होगा। नाम से क्या होता, हमने आपसे अपना आपका नाम पूछा नहीं पूछा, हम आपको बड़े भाई की तरह मान रहे हैं। तो ये मोहब्बत होनी चाहिए, नफरत नहीं, नफरत नहीं होना चाहिए। ईद और होली और दिवाली सब साथ मनाते थे। 2014 से पहले कोई हिंदू मुस्लिम था? आप बता दिए, कंगना रोको बोले 2014 के बाद हमारा देश आजाद हुआ। पहले आजादी तो 14 में मिली, तब एक मिली थी। अटल बिहारी की बात सरकार ने क्या देश के गुलाम था? आप बताइए, वो इस तरह के कंगना जैसे लोग ना बहुत सारे आ गए हैं, वो ऐसी बातें करते हैं। राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा क्या, हम आदमी सोच नहीं सकता है भाई। तो वो चूंकि मोदी सरकार की तारीफ करती है ना जी, सर तारीफ काम की होना चाहिए, सरकार की नहीं होना चाहिए। वो चाहे अखिलेश हो या योगी हो, मेन काम हो। अब योगी ने कोई एक्सप्रेस वे मान लिया है कि उनकी अखिलेश की सरकार में पास हुआ, मैं बनवाया योगी जी ने, हम उनके काम की इसकी बात करते हैं। काम की बुराई नहीं, इंसान की बुराई नहीं है, काम अच्छा बुरा होता, काम अच्छा बुरा होना चाहिए। तो इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता काम के आधार पर वोट करेगी? अगर अच्छी और समझदार जनता है तो काम के आधार पर करना चाहिए, न ताकि जात और पात पे। कोई धर्म ये आप नहीं बता सकते हैं जो हिंसा और लड़ाई को बताता हो, कोई धर्म आप ऐसा बता दिए जो उसके बारे में आप लड़ने के बारे में या कुछ बताता हो। तो जो योगी सरकार है वो कह रही है कि भाई हम यूपी को राम राज्य बना दिया, हम लोगों ने उत्तम प्रदेश बना दिया, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, तो वो झूठ बोल रहे हैं। राम राज्य तब है जब हर इंसान अपने हिसाब से पूजा अर्चना और ये सब करते रहे। जो दिन गणेश उत्सव का वो चला था ना, और जो श्री लखीमपुर में कांड हुआ ना, वो मंत्री जो राज्य मंत्री वो कह रहे हैं 5000 लोग मीटिंग में थे और मेरा बेटा यहाँ था, और उस दिन गणेश उत्सव का जुलूस यहाँ नहीं निकला था। यानी मीटिंग के लिए कोरोना नहीं है और धर्म के नाम पे कोरोना है। जिस देश में मंदिर मस्जिद बंद हो और दारू के ठेके खुल जाए, वो हम जाते राम राज्य का है। किस चीज का राम? मंदिर मस्जिद बैर कराए, मेल कराए, मधुशाला है, ये बच्चन साहब की कविता उनके पिता की। तो वो कह रहे हैं कि जो देश की अर्थव्यवस्था डूब गई ना उसमें पैसा लगाएंगे, ये दारू खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। अर्थव्यवस्था भाई काम से होती है, दारू से नहीं होती है, इंसान के अच्छे नेचर से होती है। ये सर्वर ने बड़ी बात कही और आप भी इसका हिस्सा रहे इस चर्चा का। साथ ही हमने आपको लखनऊ की कुछ झलकियाँ दिखाई इमामबाड़े की। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताएं।
और आपकी क्या चुनावी राय है वो भी लिखें, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। साथियों अगले वीडियो में मिलते हैं।